हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फराज कुकिंग चैनल में आज हम कोकोनट आइसक्रीम बनाएंगे। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। कोकोनट आइसक्रीम की रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। डेसिकेटेड कोकोनट 250 ग्राम, कोकोनट ऑयल या फिर इसकी जगह आप सादा ऑयल या बटर इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टेबल स्पून, मिल्क 1 केजी। मैंने यहाँ कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया है, आप सादा मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम 2 कप या क्रीम मिल्क, स्वीटन कंडेंस मिल्क 1 कप या 300 मिलीलीटर का एक कैन इस्तेमाल कर लें। आइसक्रीम की तैयारी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी आप नोट कर लें। हैंड मिक्सचर या फिर ये इलेक्ट्रिकल हैंड मिक्सचर या फिर स्टैंड मिक्सचर, उसके अंदर हम बना लेंगे। इसके साथ साथ एक अदद जूसर चाहिए होगा। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक अदद जूसर लेके उसके अंदर कोकोनट मिल्क डाल दें, साथ ही इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट डाल दें। तीन से चार मिनट चलाने के बाद हम इसको खोलेंगे। यहाँ दूध और डेसिकेटेड कोकोनट आपस में मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह। अब हम दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। यहाँ बर्तन के अंदर व्हिपिंग क्रीम डाल दी है। व्हिपिंग क्रीम जितनी ठंडी होगी उतनी आसानी से ये थिक बनेगी। आइए हम इसको बनाते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये काफी थिक हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल देंगे। कंडेंस मिल्क अगर आप घर बनाना चाहें तो आप मेरे चैनल पे इसकी वीडियो देख सकते हैं, मैं इसका लिंक पोस्ट कर दूंगी। अब दोबारा से हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए चला देंगे। पहले मीडियम फिर हाई स्पीड पर चलाएं। अब इसके अंदर हम जो ये ऑयल है ये डाल देंगे। दोबारा से 1 मिनट के लिए चला लेंगे। हमारी ये क्रीम तैयार हो चुकी है। अब हम तीसरा स्टेप शुरू करते हैं। एक अदद बोल लेके अब उसके अंदर हम ये जो मिल्क और कोकोनट का मिक्सचर था ये डाल देंगे। अब इसके अंदर ये क्रीम डाल देंगे। अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आप इसके अंदर शुगर या चीनी चेक कर सकते हैं और उसे अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसको हम किसी कंटेनर में निकालेंगे और फ्रीजर में रख देंगे। ओवरनाइट या फिर 7 से 8 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में छोड़ देंगे। इसके बाद ये हमारी जो आइसक्रीम है ये तैयार हो जाएगी। यहाँ मेरे पास एक अदद खाली आइसक्रीम कंटेनर है, मैं उसके अंदर डाल दूंगी। यहाँ मिक्सचर को कंटेनर में डाल दिया है। अब हम इसकी लिड देकर फ्रीजर में रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। 7-8 घंटों के बाद आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। अब हम इसको स्कूप के साथ निकालेंगे। कोकोनट आइसक्रीम की रेसिपी तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसी तरह की अच्छी रेसिपीज देखने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर विजिट करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।